कि हम लोग का टॉपिक आज का है समाज चक्र, जिसमें कल के क्लास में हम देख चुके थे सूर्यजुग तक। पुनः हम सभी साधकों के सुविधा के लिए शॉर्ट में इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग का है कि मेरे हम लोग के आत्मीय प्रौढ़ प्रणेता श्री पी आर सरकार ने प्रौढ़ के पहले सिद्धांत में कहा है, वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम, यानी कि युगों में हमेशा कोई न कोई वर्ण की प्रधानता रहेगी। तो हो सकता है कि यह चार वर्ण में से किसी का, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वह विप्र हो, वैश्य हो। तो चूंकि शूद्र की बुद्धि उर्वरा नहीं होती है, इसलिए उसका प्रधानता कम रहता है और वह गति चले जाता है कंट्रोलिंग का आगे के चक्र में, यानी आगे के युगों। तो उसमें वर्ण प्रधान चक्र धारण में क्या होता है कि सबसे शुरुआती काल में, यानी आदि काल में, कोई सुसंबद्ध या व्यवस्थित समाज व्यवस्था नहीं हुआ करता था। तो उस काल को शूद्र युग कहा जाता है, और शूद्र युग के काल में जो मुख्य रूप से लोग श्रमजीवी हुआ करते हैं। उसके बाद में यह साहसी लोगों का, शक्तिशाली सरदारों का युग आता है, जिसे हम लोग छात्र युग कहते हैं। उसके बाद में तत्पश्चात बुद्धिजीवियों का युग आता है, जिसे हम लोग विप्र युग कहते हैं, और सबसे अंत में आता है वैश्य युग, जिसे हम युग कहते हैं, और के शोषण के फलस्वरूप वह क्या होता है, सभी विप्र क्षत्रिय या शूद्रत्व में परिणत हो जाते हैं। कारण जिसके कारण क्या होता है कि वह शूद्र विप्लव आता है, और शूद्र विप्लव के फलस्वरूप विस्फोटक स्थिति के परिणाम स्वरूप नई व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। और चूंकि उसका जो नेतृत्व करता है उसमें शूद्र रहते हैं, लेकिन शूद्र के पास में वह उसके पास उर्वर बुद्धि नहीं होता है, जिस कारण से वह चले आता है जो उस शूद्र विप्लव का नेतृत्व करता है, यानी कि वह क्षत्रिय, और उसके बाद में आगे का युग चलता चलता है, यानी दूसरे फेज का। फिर हो गया उसी ढंग से शूद्र क्षत्रिय विप्र वैश्य का काल घूमता रहता अपने पृथ्वी पर, चलता रहता स्वाभाविक गति से। और समाज के इसी चक्र को हम बोलते हैं, या ये चक्र है जो वर्ण का चलता रहता है, इसी चक्र को बोलते हैं समाज चक्र बोलते हैं, या अपने पृथ्वी पर घूमता रहता है। अब क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी के घूमने के दरम्यान में, हर युग में, पहले तो वह रक्षक होता है समाज का, बाद में शोषक के रूप में आ जाता है, जिस कारण से वह गति घूमते रहता है। और यह अवसंभाव प्रकृति का नियम है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए उसके शोषक हमारे बीच में होते हैं, सद्विप्र होते हैं। जो दूसरा श्लोक है प्रौढ़ का, चक्र केंद्रे सद्विप्रा चक्र नियंत्र का, उसमें क्या होता है, नीतिवादी आध्यात्मिक साधक अपने शक्ति संप्रयोग द्वारा क्या करते हैं, पाप का शोषण का दमन करते हैं, और फिर उसे रक्षा प्रदान करते हैं, शोषितों से बचाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग सद्विप्र कहते हैं। तो उसका स्थान होता है चक्र के परिधि पर नहीं, बल्कि वह चक्र के केंद्र में होता है, चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नेत्र का, और वह क्या होता है उसका फिर रक्षा कर चक्र को अपने अनुसार, जैसा लगता है आगे ले जाए युग को या पीछे ले जाए, उस प्रकार से अपने आप को
उसको से बचाकर सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद में आता है इसी में शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनम, यानी कि मान लिया जाए कि विप्र युग में अगर कोई शोषक क्षत्रिय युग में कोई शोषक हो गया है और उसको उसको ले जाना चाह रहा है कि हम विप्र युग में ले जाए, तो वह क्या शक्ति उसके जो युग चल रहा है उस क्षत्रिय युग से त्वरित कर देते हैं, आगे विप्र युग में ले जाते हैं। तो यह जो नेचुरल जो चेंज होना था उसमें शक्ति का संप्रयोग करके वह त्वरित करके इसको बोलते हैं इवोल्यूशन कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है, त्वरित करते हैं। फिर क्या होता है कि कम ही समय में अल्प काल में हम अधिक शक्ति संप्रयोग करके और क्षत्रिय युग समझाते हैं विप्र युग में ले जाने के लिए, तो उसके लिए है तीव्र शक्ति संपातेन गति वर्धनम विप्लव। हम संपात करते हैं अल्प समय में, अल्प समय के लिए, और वह क्या होता है कि उसको हम आगे बढ़ाते हैं युग को, तो इसको हम क्या कहते हैं विप्लव कहते हैं, यानी कि रिवोल्यूशन कहते हैं। फिर हम चाहेंगे कि हम उल्टा करने के लिए अगर लगा के सब विप्रों को कि हम अपने युग को शोषण जो हो रहा है विप्र में उसको लिखा है संपातेन गति वर्तनम विक्रांति, विक्रांति शक्ति विपरीत धारा, शक्ति संपातन विपरीत धारा विक्रांति। तो हम क्या करते हैं विपरीत धारा में हम ले आते हैं अपने युग को विप्र से क्षत्रिय युग में, शक्ति का संपात करके हम पीछे ले आते हैं, और फिर वह जब लाते हैं पीछे तो वह कुछ काल के लिए रहता है और फिर अपने पूर्वावस्था में चले आता है। वह जैसे हम लाए विप्र से क्षत्रिय, लाए क्षत्रिय से फिर क्या हो जाता है वो चला जाएगा विप्र में, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने नेचुरल प्रवेश में आकर विप्र से वैश्य आगे भी जा सकता है, गति धारा इस प्रकार से बढ़ेगा। फिर उसके बाद आता है तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम प्रति विप्लव। तो हम क्या करते हैं अत्यंत अल्प काल के लिए हम क्या करते हैं उसको पीछे की ओर ले आते हैं, और फिर वह अपने कुछ समय के बाद फिर वह आगे चले आता है या नेचुरल वैसे फिर उससे आगे जा सकता है, जिसको बोलते हैं काउंटर रिवोल्यूशन। और पूरा चक्र जब घूम जाता है यानी शूद्र से विप्र, विप्र से क्षत्रिय, क्षत्रिय से शूद्र, से शूद्र से क्षत्रिय, क्षत्रिय से विप्र, विप्र से वैश्य, फिर करके फिर शुरू हो जाता है शुद्र विप्लव में शूद्र विप्र क्षत्रिय, शूद्र क्षत्रिय विप्र और वैश्य का यह गति चलता रहता है। तो पूर्ण वर्तन पूर्णावर्तनेन परिक्रांति उसको पूरा हुआ जाता है। तो इस प्रकार से मेरा चलता रहता है यह। तो इसमें जो शूद्र युग है उसका क्या होता है मेंटलिटी क्या होता है किस प्रकार का, कि जब बाबा बताते हैं कि जब प्रथम मानव शिशु का जन्म हुआ था तो उस वक्त में बहुत भया प्रकृति का था, और प्रकृति से अहिंसक जानवरों से बचने के लिए उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था अपने जान को बचाने के लिए, रक्षा के लिए। तो वह क्या करते हैं कि पूरा शक्ति जो उस काल के मनुष्य होते हैं वह पूरा अपने सुरक्षा में लगाते हैं, अस्तित्व की रक्षा में लगाते हैं, और वह उस लगातार वह संग्राम करते रहते हैं प्रकृति से। और वह जो था उस वक्त में था मुख्य रूप से जो उस वक्त का शारीरिक बल का ही था, और यह उस सुरक्षा के ख्याल से ही वह प्रकृति और हिंसक जानवरों से सुरक्षा के ख्याल से ही या दूसरे किसी से अपने आप को बचाव करने के लिए, अपने आप को सुरक्षा करने के लिए छोटे छोटे दल में अपने आप को रहने लगे हुआ। और इस प्रकार से क्या हो गया कि दल में रह ऐसा बनी
जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो जोग है वो आगे वो रहेगा। और जो जो यह कहने का मतलब कि जो आदमी है जीवित है उसको उसको मौका मिलता था उसे और अच्छी तरह जीने दो, और जो अर्धमृत होता था उसके उसको क्या करता था मृत्यु के लिए त्वरान्वित करता था वह। और जो जो मरणासन होता था उसको बचाने के लिए अपना समय नष्ट नहीं करता था वह। यह स्थिति था, और यह पूरा चूंकि था अपने सुरक्षा के लिए था इसलिए यह करता था, सब स्वार्थपर सामाजिक व्यवस्था था इस ढंग से तो। और पारिवारिक व्यवस्था नहीं था इसलिए संतान के प्रति उसका कम लगाव था, जिसके कारण से वह समय के साथ कालक्रम के साथ में क्या होता था, क्योंकि स्वार्थपर व्यवस्था था एक दूसरे का अपने स्वार्थ के लिए बात करता था, इसलिए समय के साथ जैसे जैसे बच्चे का उम्र वगैरह बढ़ता था तो बच्चे का भी स्वार्थ भावना के कारण और बच्चे का भी वृद्ध माता पिता के प्रति कोई ऐसा दायित्व तो रहता नहीं था। और यह उधर उपस्थित जीवी भी था, यानी कि वो होना ही उसका लक्ष्य था, इसके अलावा विशेष नहीं था, उसके जीवन में कोई बकवास नहीं था, तर्क वगैरह का कोई बात इसमें नहीं था, कोई आदर्श की बात नहीं होती थी। और यह भीरु वह प्रकृति को है ना डर से हुआ उसके सामने सिर झुकाने लगा, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह प्रकृति पूजा में अपने आप को लगा रहा, जैसे कि समुद्र का, अरण्य का, आग का, पहाड़ का शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हो भोग वृत्ति उसका प्रबल इच्छा था, तो कह सकते हैं कि यह गुरु मानसिकता था जिसके कारण से यह सभी व्यवस्था उसका था, मूर्ति पूजा वगैरह जितना भी था, सॉरी प्रकृति पूजा में जैसे वृक्ष पहाड़ अरण्य समुद्र देवता रूप में पूजा करना शुरू कर दिया था। यह इस प्रकार का यह उदर उपस्थित जीवी था मनुष्य। उसके बाद हम लोग का आता है छात्र। अब छात्र युग में क्या होता है कि यह मुख्य रूप से शूद्र था, उदर उपस्थित जीवी था, और छात्र युग में जो होते हैं मानसिकता के लोग होते हैं वह होते हैं संग्राम जीवी होते हैं। वो अपने संग्राम द्वारा जड़ को शक्ति को यानी जड़ भोग करना चाहता है। उसका नीति था वीर भोग्या वसुंधरा नीति को अपनाएगा, यानी कि अपनी ताकत बदौलत क्या था पूरे भोग को वह अपनाना जानता था। वो शूद्रों से वो आसानी से वो काम लेते थे, उन्हें अस्थाई रूप से वह क्रांति के लिए तैयार करते थे, जो कह जितना कहते थे उतना ही शूद्र क्या करते थे वह काम उनसे लेते थे, और शूद्र उतना ही काम करता था और यंत्रवत काम करते रहता था। जितना कह दिया शूद्र को, जितना कहा उतना ही वह काम करने का हमेशा तत्पर रहता था, और शूद्र को काम में लगाता था वह, और उसके अनुसार यंत्रवत वह काम करता था। तो जो ऐसा करता था शूद्र को अपने अनुसार अपने क्रांति के लिए तैयार करता था और उसके आदेश का पालन यंत्रवत वह शूद्र करता था, तो उन्हीं को हम क्षत्रिय। दैहिक शक्ति के युग में जो सबसे अधिक शक्तिमान था वही उस गोत्र का नेता और समाज पूज्य वीर बना, क्षत्रिय बना, यानी कि जो ग्रुप में रहता था और उस ग्रुप में जो शक्तिशाली हुआ करता था वही उसका नेता होता था, गोत्र नेता होता था, और वही समाज का हीरो होता था, पूज्य वीर होता था। छात्र प्रधान समाज व्यवस्था की प्रतिष्ठा उस प्रकार से, यानी कि अपने इच्छा शूद्र को क्रांति के लिए तैयार करते थे, और शूद्र यंत्रवत जब जो जैसा कहता था
वो इसास्त्र करने को तैयार होता था और वह व्यक्ति उस ग्रुप का शक्तिशाली लीडर भी हुआ करता था और वही समाज का वह हीरो हुआ करता था। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्षत्रिय कहते थे और उस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सामाजिक व्यवस्था को हम कहते थे छात्र प्रधान समाज व्यवस्था है। बेस्टिमन जहां भोग की दुर्दांत लालसा लेकर चलता है, कोई व्यक्ति भोग है कि हमको भोग करना है जर सकते, तो वह क्या इसका लालसा है ऐसे व्यक्तियों का कि भोग की दुर्दांत लालसा लेकर जाता है लेकिन जड़ता का गुलाम नहीं वो होना चाहता है, अपने अधीन में करना चाहता है। जड़ तरंग को उसने मानस तरंग के द्वारा नियंत्रित किया, यानी जो भोग वृद्धि है, भोग है, जो शारीरिक जो तरंग है उसको क्या किया, भोग को अपने मानसिक तरंग के द्वारा नियंत्रित करने का वह कोशिश करता था। जड़ता उसके हाथों पकड़ उसे जो जड़ता होता था उसके हाथों पर उसे सेवा देता था, यानी जो जो होते थे सो उसको उसको सेवा ही प्रदान करता था। जो भी भोग था, जो भोग चाहता था वह अपने ताकत बलत वह अर्जन करके उसको सेवा प्रदान करता था। जड़ को अपनी इच्छा से प्रभावित करने का अधिकार जिससे प्राप्त है, यानी इस जड़ को जो अपनी इच्छा से प्राप्त अधिकार जिसे प्राप्त था, उसी सतत युद्धरत व्यक्ति को जो उसके लिए संघर्ष करता था अपने जड़ भोग की प्राप्ति के लिए, उसी सतत युद्धरत लगातार युद्धरत व्यक्ति को वह क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय का धर्म यानी कि जड़ भोग प्राप्ति करने के लिए हमेशा संग्राम के माध्यम से वो प्राप्त करता था, ऐसे युद्धरत व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया और इसलिए संग्राम ही क्षत्रिय का धर्म है। वह दुर्दमनीय प्राण शक्ति से ओतप्रोत तेजस्विता का प्रतिनिधि करता हुआ, यानी कि वह तेजस्विता का प्राण शक्ति उसमें निहित रहता है और तेजस्विता के कारण क्या होता है, संग्रामी होने के कारण क्या होता है, उसका जो रक्त का वर्ण, उसका वर्ण जो होता है रक्त वर्ण होता है। अभ्यास बना लेना ही क्षत्रिय का धर्म है, यानी कि जो भी द्रात्मक शक्ति है यता के कारण वह दास बना लेता था, अपने संघर्ष के द्वारा अपने शक्ति के द्वारा वह करता था जर को अपने अधीन करता था और यही उसका क्या होता था, उसका धर्म होता था क्षत्रियता। मान लिया जाए किसी है ने, 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 अगर किसी पहाड़ को अगर उस पर उसको अतिक्रमण करना है तो उस पर चढ़ाई करना है तो शूद्र क्या करते थे, उसके नजदीक जाकर वह गुरु मानसिकता के तहत रुक जाते थे और वह क्षत्रिय को वह कहते थे कि इस पर या जो है प्रकृति का यानी शक्ति का क्या होगा, सो उस पर बुरा असर होगा, रोना रोते थे। लेकिन क्षत्रिय क्या करते थे कि वह उस पर विजय प्राप्त करते थे अपने पदों तले रौंद करके। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जैसे है कि डायनामाइट से पहाड़ को उतर अपना रास्ता बनाता था वह, तो यह क्षत्रिय यहाँ पर कि सूर्य क्या करते थे, वहां पर नतमस्तक हो जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। जिस दिन से शूद्र क्षत्रिय का आश्रित हुआ उसी दिन से क्षत्रिय युग का प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार जानते हैं कि ग्रुप में रहते थे जब शूद्र, तो क्षत्रिय उसको क्या करते थे कि वह जो उसमें शक्तिशाली होते थे तो उसका रक्षा करते थे। तो उसी दिन क्षत्रिय समाज का बीजारोपण हुआ, क्योंकि ग्रुप में रहते थे शूद्र और शूद्र में जो जिसमें थोड़ा शक्ति अधिक था तो उसका क्या करते थे कि शुद्ध बाकी शुद्ध क्या करते थे, शक्तिशाली व्यक्ति के अधीनता स्वीकार करते थे।
और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ कि क्षत्रिय लक्ष्य था क्या थी, सम्मान विजय प्राप्त करना, किसी भी चीज को सम्मान पूर्वक संग्राम के फल स्वरूप विजय प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। पशु स्तर से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों को समझना सिखाया कि यह मानवीय मूल्य क्या होता है कि नहीं, तो उसको वह क्षत्रिय ही सिखाया। दाम्पत्य पारिवारिक जीवन को मानवीय स्तर तक उठाया, जो दाम्पत्य जीवन का पारिवारिक जीवन का सुर व्यवस्था में नहीं था, कोई व्यवस्था ऐसा क्षत्रिय व्यवस्था में क्या हुआ, इसका इसके स्तर को मानवीय स्तर तक उठाया। क्षत्रिय होता है संग्राम जीवी, जबकि शूद्र होता है उदर उपस्थ जीवी। जिस दिन शूद्र क्षत्रिय का आश्रित हुआ, उसी दिन से क्षत्रिय युग की यात्रा का प्रारंभ कहा जा सकता है। ऐसा बताएं ग्रुप में जब जो था शक्तिशाली उसका आश्रय दिया, किंतु वह क्षत्रिय युग रातों रात नहीं आया था। पूर्ण रूप में विकृत सुर समाज धीरे धीरे क्षत्रियता का अधीनता स्वीकार कर लिया। क्षत्रिय का अधीन रहकर संगठित हो चला, अर्थात बहुतों से शूद्रों की सहयोगिता से जिस नवीनतम समाज की स्थापना हुई थी, उसी की एकता का प्रतीक एकक तो सब ग्रुप जितना था, ग्रुप क्लान ग्रुप में था, सबका एक क्षत्रिय ग्रुप का लीडर था। शूद्र एकता के प्रतिरूप में क्षत्रिय को ग्रहण करना ही जो सामाजिक मनोविज्ञान रूपांतरण का परिणाम था, धीरे धीरे उनके अंदर में रहने के लिए। और जो यह किसी के अधीन में रहना शुरू किया, यह मानव इतिहास में प्रथम क्रांति थी कि क्षत्रिय समाज का स्थापना शुरुआत हुआ। प्रत्येक क्षत्रिय प्रतीक के अधीन मानव समाज एक एक दल का निर्माण हो गया। प्रत्येक दल के परिचय रक्त की शुद्धता की सही सही जानकारी के लिए सासी और तेजस्वी नारियों की प्रारंभिक अवस्था को दल माता रूप में स्वीकृति हुआ। क्योंकि प्रत्येक ग्रुप में था लीडर, तो उसमें क्या था कि प्रत्येक दल के परिचय और रक्त की शुद्धता की सही जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो वह नारी से मिलेगा। चूंकि पारिवारिक व्यवस्था था नहीं उस वक्त में शुरुआती दौर में, इसलिए सही सही जानकारी उसका कौन देगा कि ये बच्चे बच्चे हैं, तो उसके माँ के द्वारा वह जानकारी मिलता। काशी और तेजस्वी नारी की प्राणिक अवस्था में दल माता रूप में स्वीकृति मिला हुआ। दल का प्रत्येक पुरुष और महिला उसी गोष्ठी माता के नाम के अनुसार अपना वंशगत परिचय वहन करते थे। पिता और माता दोनों के एक ही गोष्ठी में होने से स्वतंत्र रूप में पिता अथवा माता के परिचय का मूल्य प्राप्त नहीं था। एक गोष्ठी जननी की मृत्यु के उपरांत अगर कोई मर गया ग्रुप लीडर, तो गोष्ठी जननी के निर्वाचन काल में धारावाहिक रूप में एक गोष्ठी के एकाधिक गोष्ठियों में विभक्त करने के समय ही केवल मातृगत परिचय के निर्धारण की आवश्यकता पड़ती थी। अर्थात प्रारंभिक क्षत्रिय समाज मातृशासित समाज था। क्षत्रिय युग की यह गोष्ठी व्यवस्थाएं समाज व्यवस्था का प्रथम सोपान था, यानी प्रथम सीढ़ी था। यह उस वक्त में यह क्षत्रिय युग की यह गोष्ठी व्यवस्था जो था, जो मातृगत थी, वह प्रथम सोपान था। सामाजिक व्यवस्था मेरा आगे बढ़ता गया, तो हम लोग देखे कि यह वीर भोग्या विसुंधरा था। वह शूद्रों को अपने अधीन करके सभी काम करता था, और वह शूद्रों को काम करवा के क्रांति में लगाकर उसको उसका बलिदान देकर और अपने को यश गान लूटता था। और यह शूद्रों को जो रहते थे शूद्रों को केवल उनका गुणगान करके और अपना प्रतिष्ठा यश करता था। तो शूद्रों को केवल क्या करते थे कि वह उनका गुणगान सुना करके और यश प्रतिष्ठा लूटते थे। हाँ, हाँ।
तो शूद्र कृषक या क्षत्रिय का संग्राम जो भी होता है, और इस आगमन हुआ। दूसरा देखेंगे प्रथम विप्र युग, जो बुद्धिजीवी लोग, इसमें क्या होता है जैसे शूद्र होता है उधर उपस्थित भी, उसी क्षत्रिय होता है संग्राम जीवी, और यह विप्र होते हैं बुद्धिजीवी, बुद्धि के द्वारा प्रचालित होते हैं, या जो बुद्धिजीवी गरिमा से क्षत्रिय का नियंत्रण करना शुरू करते हैं, क्योंकि यह क्षत्रिय के पास ताकत था, शूद्र के पास शारीरिक बल था, के द्वारा क्या करते थे, वह नियंत्रण करते थे। पुराण की रचना हो, क्षत्रियों की गौरव गाथा लिखते समय, और उसमें यह झलका देना क्षत्रियों का धर्म है विप्रों की पूजा करना, तो अपने बुद्धि बलत क्या करते थे, वह क्षत्रियों का पुराण रचना करते थे, गौरव गाथा कर लिखते थे, और उसमें झलका देते थे कि क्षत्रियों का धर्म है विप्रों की पूजा करना। बुद्धि ही, बुद्धि के कारण ही यह जो है बुद्धि का ज्यादा महत्व है। अब जैसे मान लिया कभी ऐसा हुआ कि युद्ध है, अगर मान लिया किसी ढंग का वहां पर है बात की, वह कहा जा रहा है कि युद्ध अगर विप्र कह रहा है नहीं करना है तो, और करने के लिए तैयार भी हो गया हुआ, तो उसको डराता था बुद्धि की बदौलत, कहता था कि कभी कि हाँ ये अगर ऐसा अभी करोगे या अभिशाप होगा, उस दिन क्या होगा कि सूरज जो है सो या पूरा दुनिया क्या अंधेरा छा जाएगा, तो वह जानता था कि सूरज ग्रहण होगा अंधकार हो जाएगा, उसके बुद्धि उसको उसकी इतनी बुद्धि थी विप्रो की, और वास्तविक देखता था कि जब हो गया उस दिन कह दिया कि भाई फलाने दिन हो जाएगा अंधकार हो जाएगा तुम्हारा अभिशाप के कारण, प्रकृति का अभिशाप के कारण, तो ऐसा देखा गया तो उसके दिमाग में आ गया कि नहीं वास्तविक है ये बुद्धि प्रधान वास्तविकता है, तो ऐसा करके डरा डरा कर हुआ विप्रो पर या क्षत्रिय पर और शूद्र पर अपने आप का अधिकार प्रभुत्व जमाने लगा हुआ, और बहुत सारे तरीकों से। तो पुराण की रचना करके क्षत्रियों गौरव गाथा लिखते समय उसमें यह भी झलका दिया, लिख दिया गया कि क्षत्रियों का धर्म है विप्रों का पूजा करना, विप्रों का पूजा करना। शक्ति के पीछे बुद्धि का समर्थन चाहिए, कि अगर शक्ति के पीछे बुद्धि नहीं रहेगा तो वह कुछ हासिल नहीं होगा, बुद्धि शक्ति को नियंत्रित करेगी, ऐसा कहा। अब वास्तविकता बात भी है तो बहुत सारा बात लेकर वह उसको उसके सामने में बता दिया विप्र क्षत्रिय और शूद्र के सामने में कि यह जो है बुद्धि का शक्ति अधिक है। ये विप्र वही ऋषि है, अस्त्र शास्त्र का आविष्कार ऋषि थे, सदैव स्मरण है। राजतंत्र का इतिहास मंत्री तत्व का इतिहास, मंत्री तंत्र का इतिहास है, जहां भी राजा होते थे तो मंत्री जैसा सलाह करते थे देते थे वैसा ही राजा काम करते थे, तो राजतंत्र का इतिहास मंत्री तंत्र का इतिहास बना। चंद्रगुप्त चाणक्य के हाथों कठपुतली था, चंद्रगुप्त राजा और चाणक्य क्या थे सो विप्र थे, तो जैसा जैसा विप्र कहते चंद्रगुप्त ऐसा करते थे, तो चंद्रगुप्त क्या था चाणक्य हाथों कठपुतली ही था। विप्र भी संघर्षशील हैं, जैसे शारीरिक बल से शूद्र होते हैं और यह साहस पुरुष का बल होता है छतरी में, उसी प्रकार विप्र भी क्या होते हैं कि संघर्षशील होते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन क्या करते हैं अपने बुद्धि बदलत काम करते हैं। उनका जो रण क्षेत्र होता है बौद्धिक रण क्षेत्र होता है, और उसका जो जो वर्ण होता है जो शुभ्र होता है श्वेत वर्ण होता है। विप्र शूद्रों की हड्डी तोड़ मेहनत, विप्र क्या करते हैं कि अपना जो उद्देश्य सिद्ध करते हैं वह शूद्रों की हड्डी तोड़ मेहनत से बदलत और क्षत्रियों के पौरुष को बदलत करते हैं, अपना उद्देश्य सिद्ध करते हैं विप्र, और अपना बुद्धि तो है उसके पास। जर को जय करने वाले सरल मार्ग क्षत्रियों को अपनी बौद्धिक संग्राम से कुटिलता पूर्वक मार्ग से अपना दास बनाने वाले विप्र, तो जर को जय करने वाले
यानी कि भोग विलास जो भी होता है या भोग को जय करने वाले सरल मार्ग के क्षत्रियों को अपनी बौद्धिक संग्राम कुटिलता से मार्ग से अपना दास बनाने दिख रहे हैं, और गलत क्या होता है कुटिलता से क्षत्रियों को नियोग करके लगा कर कौन विप्र बौद्धिक शोषण में सारी शक्ति लगा देते हैं। बौद्धिक शोषण में सारी शक्ति या बौद्धिक शोषण करने के लिए पूरा शक्ति वह लगा झोंक देते हैं। विप्र प्रधान युग में लड़ते मरते हैं क्षत्रिय जयमाला कृतज्ञ विप्र मंत्री। और हम जानते हैं कि जब भी होता है या संग्राम होता है देश विदेश या कहीं ग्रुप में या कहीं कुछ, तो उसमें समाज में तो अब क्या करते हैं लड़ते मरते हैं क्षत्रिय शूद्र मरते हैं, लेकिन विप्र प्रधान युग में क्या होते हैं विप्र मंत्री जो होते हैं जो कूटनीतिक होते हैं जयमाला उसी को मिलता है, नाम यश गौरव उन्हीं को मिलता है। और क्षत्रिय क्या करते हैं खुशी खुशी अपने को मृत्यु वरण करते हैं। नीति उसका क्या बलम यानी कि बुद्धि क्या होता है बलवान होता है, इस बात को साबित करते हैं। यह बुद्धि की बदौलत हुआ अपना नीति बनाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। पुराण में भी दिखाया उन्होंने कि विप्र के पद चिन्ह अपने हृदय पर धारण किया है नारायण ने, कि विप्र का जो पैर जो है तो नारायण जो है अपने पैर पर धारण किया है, क्योंकि वह विप्र जो है वो बुद्धि प्रधान होता है दूसरे यानी कि समाज को दिखाने के लिए विप्र मुझे विप्र क्या किया पुराणों में ऐसा धारणा स्थापित किया। दूसरों को नीच बनाकर छोटा बनाकर जीना, हीन मन्यता निर्माण कर गुलाम बनाकर उनका प्राण रस चूस कर जीना, भय मन्यता जीत कर अपने को सुप्रतिष्ठित कर जीना, तो दूसरे नीच बनाकर छोटा बनाकर जीना, हीन मन्यता निर्माण कर दूसरे में इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स तुम्हारे पास बुद्धि नहीं हमारे पास बुद्धि है तो निर्माण कर गुलाम बनाकर उनका प्राण चूस कर, और वह क्षत्रिय हो शूद्र हो सबको शोषण करके उसका प्राण रस चूस कर जीना उसका नेचर का स्वभाव था। भय मन्यता सृजित कर और उसमें का फियर कम्प्लेक्स का भी सृजन करके अपने को सुप्रतिष्ठित करना, कि यह डर का भाव प्रति यह व्याप्त करके शूद्र और क्षत्रिय में और दिखाकर कि यह अपने आप प्रतिष्ठापित करता था वह समाज में। शोषण बनाए रखने के लिए छल बल कौशल सब का प्रयोग थोड़ी देर के लिए करता था, चाहे जत घटे भी तो कोई हर्ज नहीं है। सभी प्रकार से कूटनीति का इस्तेमाल करके छल बल कौशल इस्तेमाल करके शोषण बनाए रखने का यह सब हथकंडा विप्र अपनाते थे। तो यह था विप्र क्या क्या काम करते थे, विप्र का क्या स्थिति था, कैसा सोच था, कैसे समाज को अपना आप स्थापित किया, यह विप्र के बारे में था। अब उसके बाद क्या होता है जब यह विप्र शोषक बन जाता है तो वह उसके बाद में धीरे धीरे विप्र क्या होता है कि चूंकि बुद्धि प्रधान होता है तो बुद्धि प्रधान लोग क्या होते हैं मुख्य रूप से क्या होता है धीरे धीरे शुरू में तो वह होते हैं सात्विक गुण से होते हैं कि जड़ शक्ति को अपने बौद्धिक शक्ति के माध्यम से वह नियंत्रण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है कि वह उसकी बुद्धि मलिन पड़ने लगाती है, और वह धीरे धीरे जब बुद्धि उसका मलिन पड़ने लगता है तो वह क्या होता है कि वह काहिल होने लगता है, बैठे बैठे सब काम करते रहता है बुद्धि चलाते रहता है तो उसका शरीर क्या होता है धीरे धीरे वह काहिल हो जाता है, उसका शरीर वह शरीर से काम करने का इच्छुक नहीं होता है केवल बुद्धि चलाते रहता है कुटिला बुद्धि, जिसके कारण से क्या होता है शारीरिक रूप से परिश्रम करना नहीं चाहता है और चाहता है बैठे बैठे सुख भोग करे, तो धीरे धीरे क्या होता है सुख के लिए वह वैश्य क्या और अपना सभी बुद्धि को गिरवी कर देता है वैश्य के चरण में, और इस प्रकार से वैश्य युग का पदार्पण होता है। और वैश्य युग क्या होता है कि वह
सभी, चाहे वह क्षत्रिय हो, विप्र हो, खासकर विप्र युग से जो वैश्य युग में आता है, तो उस समय में क्या होता है कि स्थिति आता है कि शारीरिक श्रम से वह दूर होने लगता है धीरे धीरे, वह काहिल विशेष हो जाता है, चाहता बैठे बैठे सम काम मेरा सुख सुविधा मिलते रहे। तो वैश्य युग का पदार्पण होता है, और वैश्य युग जब आता है तो उसकी विशेषता क्या होती है, विप्र उन चंद संपत्तिशाली वैश्यों के पर अपनी टोपी रखने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी कि अपने भोग विलास के लिए अपने पूरे बुद्धि को वह क्या होगा अपने आप को तिलांजलि देता है वैश्य के समक्ष। संपत्ति जिनका मूल धन है, वैश्य का क्या होता है कि वह संपत्ति है उनका जिनका मूल धन है। अब जैसे यह हो गया कि यह जो शूद्र था वह श्रमजीवी था, क्षत्रिय था संग्रामजीवी था, और विप्र था बुद्धिजीवी था, लेकिन इसके पास क्या है कि यह वैश्य के पास संपत्ति होता है मूलधन। तो यह वैश्य उन विप्र पक्षा अल्प बुद्धि होने पर भी उनका नियंत्रण करता है, होता है वो विप्र की अपेक्षा कम बुद्धि होने पर भी वह क्या करता है, सभी का नियंत्रण करता है, नीचे के सभी का नियंत्रण करता है। इतना ही नहीं, वह सब तो विप्र वैश्य विप्र शूद्र और क्षत्रिय शोषण करता है, लेकिन क्या होता है कि वैश्य जो होता है शोषण भी करता है, साथ में इसके उत्स भी यही होते हैं, यानी मूल जो होता है स्रोत जो होता है वैश्य ही होता है। इसके पास क्या है कि वह संपत्ति वह उपभोग तो करते ही है, साथ में क्या होता है यह संपत्ति को संचय करना करने में संतुष्टि अपने आप को व्यक्त करते हैं, संतुष्ट होते हैं या शांति अनुभव करते हैं, अपना उपभोग किया सुखिया, और अधिक से अधिक संपत्ति संचय करने में वह अपने आप को शांति का अनुभव करते हैं, जिससे क्या होता है कि और खराब स्थिति आता है। अब संपत्ति संचय कर लिया और संचय करके वो देख रहा है, चलायमान नहीं कर रहा है, वह मोबिलिटी उस पैसे में नहीं है, जिससे कहता है समाज का और स्थिति दुरावस्था आता है, खराब स्थिति पहुंच जाता है। वैश्यों का के हाथ अपना सिर गिरवी रखने वाले विप्र वैश्यों की संपद बुद्धि के अनुकूल दूम हिलाता चलता है, यानी जब सपना बुद्धि दिया जैसा जैसा फिर वैश्य कहा वैसे वैसे करते रहता है, जिस वैश्य में अपनी संपत्ति कमाने की योग्यता नहीं रहती उसे विप्र वह बुद्धि देता है। अब वैश्य के पास ऐसे भी बुद्धि कम है विप्र की अपेक्षा, तो वह क्या करता है कि संपत्ति कमाने के लिए योग्यता नहीं रहने पर विप्र क्या करता है, वह अपना बुद्धि देता है उसको, जिससे कि वह अधिकाधिक संपत्ति जुटा सके, ताकि लोगों को मारने ठगने बेवकूफ बनाने के सरल उपाय वैश्य को विप्रो द्वारा ही प्राप्त होता है, यानी वही देता है, विप्र देता है सब कुछ का, जैसे है टैक्स चोरी करना, चोरबजारी करना, दूसरे को बेवकूफ करने का, ठगने का, सब कुछ देता है विप्र ही बुद्धि देता है, ऐसे करना ऐसे करना है। वैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को काम में लाते हैं, वैसे क्या करते हैं समाज में डिवाइड रूल पॉलिसी करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। वैसे जड़ वस्तु का जितना उपभोग करना नहीं चाहता उससे अधिक उसे अपने पास संचित करके रखना चाहता, वह उपभोग जो करता है सो करता है, उससे अधिक का संचित करके रखना चाहता है, बताए कि संचित करके वह चलायमानता समाप्त रहता है, जिस कारण से यह क्या होता है वैश्य वह शोषण करने का वह जड़ भी वही होता है, उसकी मानसिकता ऐसी आती है जिससे समाज बहुत दुरावस्था में पहुंच जाता है। अर्थ को पाने की बुद्धि अत्यंत कुटिला होती है, उसको प्रयास में रजोगुनी और विषय की जड़ता में तोगुनी होता तमोगुनी होता है, और इसका वर्ण होता है पित्त वर्ण होता है। यह वैश्य शूद्र का परिश्रम और क्षत्रिय का पुरुष विप्र की बुद्धि को अपनी आर्थिक पूंजी की सहायता शिक्षा अनुसार कार्य में लाकर अपने मूलधन को बढ़ा लेता है, तो वह शूद्र को भी अपने पैसे गलत नचाता है, क्षत्रिय को भी उसके पुरुष को नचाता है, और विप्र के बुद्धि को भी अर्थ बदलत वह नचाता है, जैसा कहता वैसा करता है, वो उसको सबको भी चाहिए अर्थ चाहिए सुख सुविधा चाहिए,
तो जैसा वो कहता है वैसा करने लगता है। वैश्य प्रधान समाज में वैश्य सबसे अधिक वित्तशाली होता है और अपने स्थित रक्षा के लिए बाकी सभी उसके कृपा कटाक्ष पर निर्भर रहते हैं। वह सबसे वित्तशाली होता है और सबको चाहिए, सुख सुविधा चाहिए तो उसके कृपा पर ही। तो यह वैश्य युग है का यह हुआ। हम देखेंगे प्रौत्परणता श्री पी आर सरकार के समाज चरण का सिद्धांत। तो इसमें हर युग के उदयमान चरण में प्रभुताशाली वर्ग का विरोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्या होता है, जब भी हर युग में शूद्र हो विप्र क्षत्रिय विप्र वैश्य, हर युग में जब वह उदयमान चरण में होता है, आगे बढ़ता रहता है, उस चरण में क्या होता है, प्रभुशाली वर्ग का विरोध धीरे धीरे शांत होने, जैसे बढ़ता आगे डेवलप करता जाता है तो वह धीरे धीरे उसका विरोध कम होने लगता है। और जब वह चोटी पर होता है, जैसे तरंग का चोटी होता है, चोटी पर पहुंचता है, बहुत क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, ऊपर में पहुंचता है, तो यह विरोध बिल्कुल लुप्त हो जाता है। जो ऊपर पहुंचाता है पूरा, तो उसका विरोध पहले तो कमता है, धीरे जैसे ऊपर चढ़ता है तो कमता जाता है विरोध, लेकिन जब चोटी पर हो जाता है विकास का, विकास को टोपी पर, तब क्या होता है, उसका विरोध लगभग लुप्त सा आता है। इस बिंदु पर जाकर नेताजन विलासिता की गोद में पलने के कारण उदंड और हृदयहीन होकर जनता का तिरस्कार करने लगते हैं। जब विकास काफी हो गया, क्लाइमेक्स पहुंच गया, तो वहां पर जो उसके लीडर होते हैं, विलासिता की गोद में पलने के कारण उदंड और हृदयहीन होकर जनता का तिरस्कार करने लगते हैं और शोषण कर लेते हैं, प्रति विरोध की भावना उठने लगती है। और जब ऐसा स्थिति तो उसके खिलाफ में विद्रोह आता है, शुरू विरोध की भावना उठने लगती है। इस प्रकार ह्रास का चरम शुरू होता है और वह नीचे गिरना शुरू होता है। सभ्यता के जन श्रेणी विभाग प्रत्येक समाज में रहते आए। जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से वह श्रेणी विभाग जो है वह चलता रहता है। शूद्र क्षत्रिय विप्र वैश्य, इस ढंग श्रेणी विभाग ये सभ्यता के उषा काल से, और उसका कारण मानव स्वभाव में भिन्नता है। और यह जो श्रेणी विभाग होता है, इसी कारण से क्या होता है कि मानव के मनोवृत्ति में भिन्नता होता है, और इसी मानसिक वृत्ति में भिन्नता के कारण यह चार श्रेणी बनता है, जो कि क्षत्रिय विप्र वैश्य शूद्र। इन चारों समुदाय में एक दूसरे में चले जाने की सामाजिक प्रवणता संभव है। और यह कहा जा रहा है कि चारों समाज जो मेरा है, क्षत्रिय समाज विप्र वैश्य शूद्र है, यह चारों समाज में से एक दूसरा में जाना संभव है। क्षत्रिय हो सकता है विप्र बन जाए, विप्र बन सकता है वैश्य बन जाए, वैश्य हो सकता है शूद्र बन जाए। यह परिवर्तन जो है स्वाभाविक है। कैसे होगा, तो यह क्या है कि यह किसी एक व्यक्ति की मानसिक विशेषताएं होते हैं, समय के अनुरूप बदल जाए या एक दूसरे के संपर्क में आ जाए बहुत दिन तक, तो यह समय के अनुरूप बदल जाता है, या एक एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ में बहुत दिन तक रहने से क्या होता है कि वह बदल जाता है। कभी क्षत्रिय कभी विप्र कभी वैश्य सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली का अधिष्ठान, और यही जब जानते था कि वर्ण प्रधानता चक्रधारा में, तो कभी क्षत्रिय कभी विप्र कभी वैश्य कोई न कोई सामाजिक राजनीतिक प्रणाली का अधिष्ठाता या महाप्रभु होते हैं, यानी उसका प्रधानता हो जाता है। जब कभी शासक श्रेणी स्वार्थ सेवी विलासी और निस्तेज हो जाता है, तो कुछ समय के लिए समाज अव्यवस्था के कारण कराहने और छटपटाने लगती है। स्वाभाविक है कि चाहे जिस युग में हो, जब ऐसा शासक हो जाएगा जो स्वार्थ सेवी हो, स्वार्थी हो, विलासी हो, निस्तेज हो, तो उस वक्त में क्या शासन व्यवस्था ठीक नहीं रहता है, जिस कारण से समाज अव्यवस्था के कारण कराहने छटपटाने लगता है। ये थोड़ा सा काल शूद्रों के उत्कर्ष की निशानी है। तो यह जो थोड़ा सा काल होता है, तो हम समझ जाएंगे उस वक्त में कि शूद्रों का एक उत्कर्ष का निशानी है, कि टोटल क्या है, सब कोई जो है शूद्र में प्रतिष्ठित हो गया है। यह चूंकि कोई व्यवस्था नहीं रहता है,
तो किसी का कोई इसमें विशेष योगदान, तो इसलिए लगता है कुछ समय में ट्रांजिशनल पीरियड होता है, युग संधि काल, उस समय में जब नहीं रहता है तो समझना चाहिए शूद्रों का उत्कर्ष का काल आ गया है। कोई समुदाय सदा के लिए सामाजिक सभ्यता और सत्ता को नहीं हत्या सकता है। अब कोई कह रहा है कि हम शूद्र हो या क्षत्रिय या विप्र या वैश्य, हम सब दिन के लिए सदा के लिए हम ही रहेंगे, उसका प्रधान बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। यह प्रकृति का नियम नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है? प्रवर्तनशील। तो प्रवर्तनशील है, जो आज है प्रधानता है अगर क्षत्रिय का, तो कल विप्र का होगा, कभी वैश्य का होगा, क्योंकि यह जो है जगत जो है प्रवर्तनशील है। इसलिए कोई चाहेगा कि हमेशा रहेंगे, मेरा ही प्रधानता रहेगा, ऐसा नहीं। सभ्यता के विकास चरण में शूद्र काल क्षत्रिय काल का अनुवर्ती होगा, और जैसे जैसे विकास करेगा सभ्यता का विकास होगा, तो शूद्र काल होगा क्षत्रिय काल के पीछे रहेगा, अनुवर्ती होगा, और क्षत्रिय विप्र काल का अनुवर्ती होगा, और विप्र युग काल जो होगा तो वैश्य युग का अनुवर्ती होगा, और लास्ट में क्या होगा, आखिरी सिरे पर होता है सामाजिक शूद्र विप्लव होगा, क्योंकि वैश्य के शोषण के फलस्वरूप सब शूद्रत्व में परिणत हो जाएगा, असुर विप्लव होगा, जो प्रकृति का एक अटल नियम है, ऐसा ही चलता चलेगा, इसमें कोई रद्द बदल की बात नहीं। वैश्य युग के अतिरिक्त प्रत्येक युग में हेर फेर सामाजिक विकार अथवा विकास अथवा क्रांति द्वारा घटित होता है, और वैश्य युग के अतिरिक्त प्रत्येक युग में हेर फेर सामाजिक विकास अथवा क्रांति द्वारा घटित होगा। वैश्य युग के बाद जो भी होगा, तो यह वैश्य युग के अतिरिक्त प्रत्येक युग में हेर फेर सामाजिक विकास अथवा सामाजिक विकास जो होगा, सामाजिक विकास अथवा क्रांति द्वारा घटित होगा, सभी में क्रांति द्वारा होगा, लेकिन वैश्य युग का अंत सुनिश्चित रूप से शूद्र विप्लव द्वारा होगा। तो बाकी जितना वैश्य युग के अलावा जो है सभी में होगा क्या, क्रांति द्वारा घटित होगा, हेर फेर होगा, जो आगे पीछे जो भी बात व्यवस्था होगा, लेकिन वैश्य युग का अंत जो होगा सुनिश्चित रूप से, निश्चित रूप से वह क्या होगा, शूद्र परिचालित सामाजिक विप्लव द्वारा होगा, उसमें विप्लव संभावी होगा। इस प्रकार क्षत्रु विप्र और वैश्यों का धुरी के चार वर्ष सामाजिक प्रभुता के चक्रगति से घूमते शूद्र विप्लव समाज चक्र का नियम है, तो चलता चलेगा, और लास्ट में क्या है, शूद्र विप्लव होकर और यह समाज चक्र गति घूमता रहेगा, यही समाज चक्र का नियम है। अब चार वर्णों के आधार पर चार युगों की विशेषताएं, चार वर्णों के आधार पर चार वर्णों की विशेषताएं, चार युगों की विशेषताएं, तो जैसा हम सब देख चुके हैं कि यह शूद्र वैश्य का जो था उसी को हम पुनः विशेषता के रूप में देखेंगे, कि शूद्र विप्लव काल में क्या होता है, शूद्र विप्लव काल में जब विप्लव होता है, शूद्र विप्लव यानी कि वैश्य युग के बाद समाज, शूद्र विप्लव काल जो होगा उसमें समाज में अराजकता छा जाएगी, उस वक्त में कोई व्यवस्था सामने में नहीं रहता है, क्योंकि वह सब वैश्य के सामने अपने आप को नतमस्तक हो गया है, तिलांजलि देते अपने बुद्धि को, पुरुषता को, ताकत को, तो उस वक्त में क्या होता है, कोई व्यवस्था नहीं रहता है, समाज दिशाविहीन रहता है, समाज में अराजकता छा जाती है, सामाजिक व्यवस्था मिट जाती है, एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं करना, कोई व्यवस्था नहीं होना, कोई सिस्टम नहीं होना, सामाजिक व्यवस्था मिट जाती है, परिवार के बंधन दृढ़ नहीं रहते, टूटते हैं, क्योंकि समाज के बाद होता है सब कुछ क्या होता है, अर्थ से आका जाता है, तो रिश्ते नाते जितने भी होते हैं, सामाजिक बंधन होते हैं जो भी, तो परिवार के बंधन दृढ़ नहीं रहते हैं, टूटते हैं, आदर्शों मूल्य और शुभ विचारों खिली उड़ाई जाती है, जितने भी आदर्श वगैरह जितने भी होते हैं सबकी मजाक किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि सब कुछ क्या होता है वैश्य युग के बाद हो रहा है, विप्लव हो रहा है, क्योंकि वैश्य युग में अर्थ प्रधान होता है,
और अर्थ से ही सब कुछ का मूल्यांकन होने लगता है, जिस कारण से विप्लव काल में आदर्श हो रहा कहीं कुछ मूल्य नहीं रखता है। यदि धार्मिक भावना थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसका कारण एक अनजान भय होता है। और कोई आदमी अगर पूजा पाठ भी कर लिया है कि नहीं, धार्मिक भावना भी रहा, तो डर के कारण कि कुछ ऐसा अनर्थ न हो जाए मेरे साथ में, इसीलिए वह कुछ धर्मी भावना थोड़ा सा रहता भी तो डर के कारण। नैतिकता की क्रिया बिल्कुल टूट जाती, जो नैतिकता की बात करते हैं उसी को समाज में बेवकूफ कहा जाता है। अपराधों में वृद्धि लोगों की मानसिकता दो समय की रोटी जुटाने तक ही सीमित करती है। अपराधों में वृद्धि होता है और लोगों का मानसिकता किसी ढंग से दो समय की रोटी मिल जाए वही काफी है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मैक्सिमम जगह जैसा कि वैश्य प्रधान युग चल रहा है, कुछ जगह को छोड़ दे तो मैक्सिमम जगह देश दुनिया में सभी जगह वैश्य युग का ही कुछ को छोड़कर वैश्य युग की प्रधानता चल रही है। तो वहां पर क्या आता है, वैश्य युग के बाद जो विप्लव आता है तो उसमें क्या आता है, अपराधों में वृद्धि होती है और मानसिकता रहता है किसी ढंग से दो रोटी मिल जाए। वो सुबह से रात तक में बस दो रोटी के जुगाड़ में रहता है। भौतिक भोग भावना समाज के रोम रोम में व्याप्त रहता है कि कुछ नहीं, अब वह साइकिक विकास हो कि स्पिरिचुअल विकास हो, एलिवेशन हो, इस सब से कोई लेना मिलना मतलब नहीं है। किस प्रकार से हमको भौतिक सुख मिले उसी के चक्कर में लोग रहता है। सारा समाज उद्देश्यहीन हो जाता है, हमको किधर जाना है कि यह कोई उच्च कोई आदर्श नहीं रहता है इसके सामने में। तो मात्र अपना वो बस समझता है कि भौतिक सुख मिल जाए, इतना ही दुनिया में जानता है। इसके अलावा क्या है उद्देश्य, कि मेरा मानसिक विकास करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, ये सब उद्देश्य उसके पास में कुछ नहीं रहता है। तो सारा समाज उद्देश्यहीन रहता है। जो जो कि मनुष्य का सर्वोत्तम उद्देश्य जो होता है उसके पास में कोई उद्देश्यहीन रहता है, बढ़ चढ़ का अत्याचार करता है और जनता पर क्या करता है कि उसका शोषण करता, अत्याचार करता है, गलत अगर बात है तो वह किसी का बात नहीं, ठीक से वोट नहीं दिया, तो पक्ष में नहीं दिया, उसका बात कहना नहीं माना, तो क्या करता है कि किसने किसने बचा कर अत्याचार करता है। वह सरकार और सत्ता की प्रतिष्ठा जाती रहती है ना, सरकार और सत्ता की प्रतिष्ठा रहता ही नहीं, व्यवस्था कुछ रहता नहीं, सरकार शोषक बन जाता है तो सरकार का और सत्ता का प्रतिष्ठा काहे का वो भी समाप्त हो जाता है। मनमानी वृत्ति और स्वार्थ साधन सूक्ष्म चिंतन का उन्मेष नहीं होता है। मनमानी वृत्ति और स्वार्थ साधन सूक्ष्म चिंतन का चिंतन जो होगा उसका कोई का वृत्ति हो गया, अपना स्वार्थ का बात व्यवस्था रहा, ये सब उस वक्त है। हर आदमी अपने के लिए संघर्ष करता है, उसको मौका कहाँ है कि अच्छे पुस्तक का अध्ययन करना या आध्यात्मिक विकास करना, ऐसा उसके पास मौका ही नहीं उस काल में। वो चिंता ही नहीं रहता। वैश्य युग के पतनोन्मुख के सभी लक्षण मौजूद होते हैं और वैश्य युग के बाद जो पतन होता है लोग उसमें जो होता है पतन के बाद, अर्थ कहा गया कि अर्थ गया, अर्थहीन जीवन हो गया, अर्थ है तो अर्थहीन जीवन। तो वैश्य हुआ जीवन क्या है, यही उसका अपने मर रहा है। और जब वह दस युग के शोषण के फलस्वरूप जब उसका पतन होता है तो उसमें क्या होता है, बीच में अपराध में भीषण वृद्धि है, कोमल कर्मी का टूटना, अपना घर परिवार समाज सब वह पैसे के भाव में
जाता है। अब किसी को जाना है, किसी के शादी में जाना है, कुछ श्राद्ध में जाना है, किसी के जन्मदिन में जाना है, अब पैसा नहीं है तो वह भी जा नहीं पाता है। और वह नहीं जाने के कारण क्या हो सकता है कि धीरे धीरे बहुत सारे कारणों से रिश्ता भी टूटने लगता है। तो अपने कर कोमल कड़ियों का टूटना संभावी होता है। परिवार में वृद्ध जनों की दुर्दशा होती है, वह अगर आश्रित है घर के किसी परिवार पर है, तो उसके पास में पैसा का अगर अभाव है वृद्धजन के पास में, तो उसका कोई केयर नहीं लेता, तो वह ऐसा हो गया, वह आर्थिक रूप से शोषित हो चुका, वह वृद्धजनों का परिवार में दुर्दशा देखने को मिलता है। विवाह विच्छेद होता है ऐसी कारण होता है कि अगर पैसा का अगर ठीक से नहीं है, घर में व्यवस्था नहीं है, तो अभाव में क्या होता है, सब होता है, इससे क्या होता है कि सभी प्रकार का स्थिति खराब हो जाता है, तो विवाह विच्छेद भी सब कारण से होने लगता है, जौन वास बढ़ जाता है, धन चित्रण व्यभिचार पापाचार को दृढ़ता पूर्वक सहन कर लेना, कि अगर पापाचार भी हो रहा है और वह देख रहा है सब कुछ, लेकिन वह पैसे से कोई है खाली है तो वह कुछ बोल भी नहीं सकता है, सह लेता है। पूरी दवाई मधुपान की लहर है कि नहीं, अब वह है कि अपने दुख से इतना रहता है, दबा रहता है, कि नशीली दवाई का मधुपान करना शुरू कर देता है, क्रीड़ा का व्यापारीकरण हो जाता है, अब खेल कूद भी जो है तो व्यापार व्यापारिक मुद्रण का साधन बन जाता है, वह जो कि ये सब अपने मन मस्तिष्क के विकास, तो वह भी आदमी चाहता है क्रीड़ा भी करना, खेल कूद भी करना, तो वह भी व्यापारीकरण हो जाता है, ये वैश्वेश्वर जो बाद स्थिति बनता है, तो वह क्या होता है, उसको तो पैसा चाहिए, पैसा स्वभाव में क्या होता है, वह क्रीड़ा भी नहीं कर सकता, नियोक्ता की बेरोजगारी के प्रति उदासीनता, और क्या है कि जो जो इम्प्लॉयमेंट करेगा वह वो बेरोजगार आदमी वह रोजगार उसको नहीं देता है, उसके प्रति उसका उदासीनता था नियोक्ता का। नौकरशाही दानव की आवेदनशीलता और नौकरशाही जो होते हैं ब्यूरोक्रेट होते हैं, वह समाज में क्या स्थिति है लोगों का, उसके प्रति कोई उसको संवेदनशीलता नहीं रहता है, असंवेदनशील होता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था अस्थिरता, और जब हम देखते हैं सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जो दृष्टि से सभी जगह देखते हैं ना, कोई सामाजिक व्यवस्था है, ना कोई आर्थिक व्यवस्था है, ना कोई राजनीतिक व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है जिससे समाज का कल्याण हो सके, दंगा लूटमार भुखमरी प्रदर्शन सब होते रहता है, इसमें विरोध अपराध में वृद्धि होता है, बलात्कार में वृद्धि होता है, पर्यावरण की समस्या भी दिनानुदिन बढ़ते जाता है, तो यह शुद्ध विप्लव काल में ऐसा भयावह स्थिति समाज का जाता है। छात्र युग की विशेषताएं, इसमें क्या होता है, क्षत्रिय समाज और सरकार दोनों प्रभावित आते हैं, क्षत्रिय समाज और सरकार दोनों प्रभावित आते हैं, समाज पर भी अभी आते हैं, सरकार पर भी, क्योंकि वीर भोगिया वसंधरा इसका नीति होता है, तो समाज पर भी सरकार अपने कद स्वर को दलत वह क्या करते हैं, हावी होते हैं, राजनीतिक प्रभुत्व स्थित होता है, राजनीतिक प्रभुत्व जो कंप्लीट सेंट्रलाइज है, लोग अच्छी तरह से हैं, परिवार के बंधन नैतिक और प्रदृढ़ होते हैं, नैतिक प्रभुत्व केंद्र स्थित होते हैं, लोग अच्छी तरह अनुपस्थित होते हैं, इसमें छात्र युग की विशेषता, अगर छात्र युग होगा या शुद्ध विप्लव था काल था यह, और जब छात्र युग की व्यवस्था होगा तो उस वक्त में क्षत्रिय समाज सरकार दोनों यानी उसको कंट्रोल केंद्र स्थित होता है, लोग अच्छी तरह अनुशासित होते हैं इनके काल में, एक तरह से शासन का भय रहता है, अनुशासित होते हैं, परिवार के बंधन
नैतिक तौर पर दृढ़ होता प्रभुत्व रहता है। लोगों के धार्मिक आचरण में स्थूल प्रकृति पर विजय पाने के साथ क्षत्रिय वृत्ति झलकती है। और लोगों के धार्मिक आचरण में क्या होता है, स्थूल प्रकृति वृत्ति झलकती है, प्रकृति पर विप्रो और वैश्यों को कुछ आदर तो मिलता है। क्षत्रिय समाज में विप्रो और वैश्यों को कुछ आदर तो मिलता है, परंतु शासन कार्य में उनका कोई हाथ नहीं होता। विप्रो का वैश्य आदर देगा, लेकिन शासन में उनका हाथ नहीं होता है। छात्र युग की विशेषता में क्षत्रिय काल में कुद्रो का निर्माण छोटा होता है, अच्छा होता है क्षत्रिय व्यवस्था, लेकिन हर व्यवस्था में, लेकिन क्षत्रिय काल के अंतिम दिनों में शूद्रों का निर्मम शोषण होता, जबकि आरंभ में सेवा की सराहना के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार होता है। शुरू में तो उसका जब उदयमान होता है वक्त में समाज आता है, तो शूद्रों का क्या होता है कि सम्मान करता है, वो करुणा का व्यवहार सराहना करता है, लेकिन बाद में क्या होता है अंतिम दिनों में शोषण शुरू कर देता है। क्षत्रिय भावना के बल पर ही कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला, क्योंकि यह शासिक क्षत्रिय शासिकता के कारण क्या होता है, यह शासिकता के बल पर वह क्षत्रियता यह सब है। ये विशेषता के कारण क्या हुआ, विशेषता के कारण क्या हुआ, कोलंबस जो था क्षत्रिय मेंटलिटी का लोग था, वह क्या क्या अमेरिका को ढूंध निकाला। रॉबर्ट टेलर उत्तरी ध्रुव के शिखर पर जा पहुंचा और एनमन हिलरी और तेज सिंह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। अमेरिका ने चार लोग इस प्रकार से इन मेंटेलिटी के लोग ऐसा करते हैं, साहसिकता पौरुषता इसमें होता है। क्षत्रिय जो स्थान काल से प्रारंभ हुआ और समाप्त 3000 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। मिस्र में यह काफी पहले इसलिए सन 5000 से पूर्व आ गया, खेती पशुपालन हो गया। जब शूद्रों ने पताका के नीचे अपने आप को संगठित किया तो मानव इतिहास में पहली बार क्रांति हुई। शूद्रों ने पताका के नीचे, स्वाभाविक है शूद्र जो है तो कहाँ ग्रुप लीडर जो था क्षत्रिय उसके नीचे आया था, अपने आप को संगठित किया था। तो मानव इतिहास में पहला बार जो सामाजिक क्रांति हुआ था, क्षत्रिय समाज का स्थापना उसी वक्त हुआ था जिस दिन शूद्र ने अपना ग्रुप लीडर मान लिया। नपाषाण युग के साल बाद क्षत्रिय प्रकट होता है, तो नपाषाण युग के ठीक बाद क्षत्रिय युग राजसत्ताओं की उत्कृष्टता सत्ता ग्रुप में सामने आता है। पुराना मिस्र का प्राचीन यूनान रोम के उत्तम उदाहरण है। विशेषता क्या होता है, इस युग में पुरोहितों मूल्यों पादरी और बुद्धिजीवियों का उत्कर्ष होता है, क्योंकि बुद्धि प्रधान होते हैं इसलिए समाज को क्या शोषण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पुरोहित ठीक रहते हैं लेकिन बाद में शोषित हो जाते हैं, शोषक हो जाते हैं। पुरोहितों मूल्यों पादरियों और बुद्धिजीवियों का उत्कर्ष होता है, इसमें वस्तु के ऊपर बौद्धिकता की श्रेष्ठता स्थापित होती है, बुद्धि प्रधान होता है यह, इसलिए क्या करता है भोग के ऊपर बौद्धिकता की श्रेष्ठता स्थापित होती है। अनेक नए सिद्धांतों का जन्म कला साहित्य संगीत विज्ञान आदि सूक्ष्म मानवीय गुणों एवं चिंतन की व्यक्ति होती है। इनके काल में क्या होता है कि यह साहित्य विज्ञान जितने भी सूक्ष्म होता है विप्र युग में भगवान की पूजा और प्रार्थना का आदर्श उत्पन्न मुक्ति की साधना आदि इन्हीं के काल में होता है। यह ठीक है यह होता है विप्र, लेकिन साथ ही क्या होता है या इसमें सूक्ष्म प्रेरणा भी, भगवान की पूजा प्रार्थना का आदर्श उत्पन्न मुक्ति साधना सब इसी काल में होता है। जो आध्यात्मिकता का उन्मेष जो होता है तो विप्र युग के काल में होता है। निस्वार्थ बुद्धि और कुछ ज्ञान
व्यक्ति होते हैं, स्वार्थ बुद्धिजीवी, जो बुद्धिजीवी तो जितना शोषक होता है उतना बुद्धिजीवी होते हैं, वह सब कुटिल बुद्धिजीवी होते हैं। लेकिन कुछ समाज में स्वार्थ बुद्धिजीवी ज्ञान ज्योति युक्त व्यक्ति होते हैं उस विप्र युग में भी, जिसके कारण क्या होता है, आध्यात्मिकता का अच्छे वातावरण का उन्मेष होता है, अच्छे साहित्य का, संगीत का, विज्ञान का उन्मेष होता है। कौन करते हैं? निस्वार्थ जो विप्र लोग होते हैं, निस्वार्थ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वह विप्रो द्वारा, लेकिन विशेष होते हैं स्वार्थ युग के अंत में विप्रो द्वारा क्षत्रिय और शूद्रों का शोषण कष्टदायक जाता है। तो कहा गया है कि शुरू में है, बाद में धीरे धीरे जब वह कायम हो जाता है तो विप्रो द्वारा क्षत्रिय और शूद्रों का शोषण कष्टदायक आता है। युग के अंत में विप्र का तो शूद्र का भी और क्षत्रिय का शोषण करना शुरू होता है। विप्र असंख्य के फलस्वरूप जब मंत्रों का प्रभाव हो गया तो सत्ता नेतृत्व के रिक्त स्थानों को विप्रो नहीं भरा, तो असंख्य जो फलस्वरूप क्या होता है, सिंह युद्ध के फलस्वरूप क्षत्रियों का प्रभाव क्षीण हो गया। बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कोष समाप्त होते हैं धीरे धीरे, उसमें क्या होता है कि वह इसके फलस्वरूप क्या होता है, उस नेतृत्व को के रिक्त स्थानों को विप्रो नहीं भरा, क्योंकि केवल वे उस समय प्राप्त सम्मान और प्रभुत्व के अधिकारी थे, क्योंकि राजा को प्रचारित करते थे कौन, वह विप्र ही। तो वह जब प्रभुत्व छीन आता राजा का, उस वक्त में उस जगह को नेतृत्व रूप में वह क्या करते थे, भरते थे विप्र ही। हर जगह विप्रो के प्रभुत्व उस सामूहिक नरमेघ के बाद प्राप्त हुई है, जिसे क्षत्रियों के अंधाधुन युद्ध पिपासा ने आने वाले पीढ़ियों को सौंपा था। जैसे कैथोलिक चर्च की सर्वोच्च सत्ता एवं रोमन साम्राज्य का पतन, कभी विप्र ने पुरोहित रूप में, कभी लोगों ने चुने प्रतिनिधि रूप में शासन किया है। तो क्या होता है, कभी विप्र जो है पुरोहित रूप में और कभी लोगों ने चुने प्रतिनिधि रूप में शासन किया है। जैसे चंद्रगुप्त का क्या कंट्रोल किया, वैश्यावृत्ति विप्र युग में ही पहले पहल अस्तित्व में आई। तो यह न वैश्यावृत्ति था ना वैश्य शूद्र युग में और न था क्षत्रिय युग में, यह वैश्य युग में विप्र युग में आया, और इसका फिर आगे जो हुआ विकसित रूप वैश्य युग में आया, लेकिन पहले पहल विप्र युग में ही आया। तो यह विप्र युग की विशेषता थी। और लास्ट हम लोग देख रहे हैं, टाइम हो गया है, वह हो जाएगा। वैश्य युग की विशेषताएं, क्षत्रिय एवं शूद्रों का शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाना। तो वैश्य युग में क्या होता है कि सभी क्या होता है, पैसे के लिए वह अपने रोजी रोटी के लिए वह वैश्य के अधीन हो जाता है। तो क्षत्रिय शूद्रों का शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें विप्र धनाढ्य श्रेणी हित के लिए काम करते हैं, जो एक अत्यंत विकेंद्रित शासन को समाज पर लाद देती है। तो विप्र क्या करते हैं, धनाढ्य श्रेणी हित के लिए यानी वैश्यों के लिए विप्र क्या करते हैं, काम करते हैं, जो अत्यंत विकेंद्रित शासन को समाज पर लाद देती है। यानी क्या करता है, जितना भी बुद्धि का इस्तेमाल करता है वैश्यों के लिए यह करता है काम। प्रत्येक पदार्थ का मूल सोनर चांदी के सिक्कों से कहा जाता है, यानी जो भी हो सभी का मूल पैसे पर आका जाता है, पैसा ही उसके मुख्य रूप से पैसा ही उसका मुख होता है, आधार होता है किसी चीज को भी आंकने के लिए। कला, संगीत, धर्म, खेल, विनोद, प्रत्येक वस्तु व्यापारिक होती है, सभी पैसे के लिए ही वह सभी का आयोजन होता है, यानी व्यापारिक हो जाता है सब। अपराध फलता फूलता है, और चूंकि वह रोजी रोटी की बात होती है, रोजी रोटी नहीं मिलता है, बेरोजगार लोग होता है, तो अपराधीकरण बढ़ता जाता है। पारिवारिक बंधन फिर ढीले हो जाते हैं, और जब स्वाभाविक है कि अभाव हो गया तो स्वाभाविक रहेगा परिवार बंधन जो है कि एक एक पैसे के बदलत, वह पैसे के कारण ही तोलता है परिवार में प्रत्येक सदस्य। तो इस कारण से क्या होता है, वो तो पारिवारिक बंधन भी टूट जाता है। युग के अंत में वैश्यों की सीमाहीन लुटेरी वृत्ति
सभी वैश्वेतर समुदायों का बड़ी क्रूरता शोषण करती है। और युग के अंत में क्या होता है, वैश्व की सीमा ही लुटेरी वृत्ति वैश्य क्या करता है कि दोनों हाथ से लूटने का काम करता है समाज को, जिससे क्या होता है सभी वैश्वेतर समुदाय को बड़ी क्रूरता से शोषण करती है। तो जितने भी और बाकी हैं समुदाय सबका शोषण वह खूब करता है। वह वैश्य युग का अंत सुनिश्चित रूप से शूद्र परिचालित सामाजिक विप्लव में होता है, और वैश्य युग का अंत जो होता है सुनिश्चित रूप से शूद्र परिचालित समाज अंत कैसे होता है वैश्य युग का, तो वह शूद्र विप्लव के द्वारा होता है, शूद्र रिवोल्यूशन के द्वारा होता है। एकमात्र लक्ष्य वैश्य युग का होता है धन दौलत, यानी धन कैसे संग्रहित करें। भौतिक भोग की प्रवृत्ति प्रधान होती है, वैश्य उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लेते हैं, जितना भी वैश्य जो प्रोडक्शन होता है वह सब पर इसका कंट्रोल होता है, भूमि कारखाना वित्त या पूंजी सब पर वैश्य का कंट्रोल होता है। संचय वृत्ति का भी समाज के सब अंगों को दूषित कर देता है, और संचय वृत्ति वैश्य में सबसे बड़ी होती है, संचय वृत्ति सब अंगों को दूषित कर देता है, चाहे वह सामाजिक हो आर्थिक राजनीतिक किसी प्रकार का, हर व्यक्ति को रंध्र रंध्र में क्या करता है समाज के रंध्र रंध्र के अंगों को वह दूषित कर देता है, क्योंकि अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित कर उसका संग्रह करना ही मानसिकता बन जाता है। संपत्ति से मतलब रुपया, जमीन, उद्योग धंधे, सोना, प्राकृतिक संसाधन, गैस, तेल आदि, यह क्या होता है चलायमान नहीं रहता। संचय करने से तो होता है मुख्य बीमारी इसका होता है संचय करने से कि यह चलायमान नहीं होता है, जिस कारण से होता है पैसे का अवमूल्यन हो जाता है, वह पैसा बढ़ नहीं पाता है और समाज में वह फिर वह जा नहीं पाता है, जिस कारण से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाता है। नियम व्यवस्था के प्रति समान उपेक्षा एवं आदर का भाव पैदा होता है, और वह जब क्योंकि यह बहुत शोषक हो जाता है वैश्य और शोषित समाज होता है, तो वह व्यवस्था जो होता है सब चरमरा जाता है, और नियम व्यवस्था के प्रति समान उपेक्षा लोग करने लगता है, अनादर का भाव पैदा होने लगता है, स्वार्थ, जुर्म, हत्याएं, चोरी, छल कपट, लत्कार व्याप्त जाते हैं, और वह वैश्यागमन विप्र युग से विशाल रूप धारण कर लेती है। विप्र युग वैश्यागमन शुरू हुआ था, और वैश्य युग में क्या होता है यह जो है विशाल रूप धारण कर लेती है वैश्यावृत्ति। नैतिक अधोगति समाज के नसों में व्याप्त जाता है, और नैतिकता कोई बात नहीं है, जिस प्रकार से हो चोरी हमारे जैसे भी कोई भी हो चोरी वगैरह करके, यानी अपने नैतिकता को तिलांजलि इसी प्रकार से वह अपना आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहता है, जिसके कारण से क्या होता है नैतिकता का अधोगति आता है, और यह नैतिकता का अधोगति समाज के रंध्र रंध्र में नस नस में फैल जाता है। वैश्य युग के अन्य पतनोन्मुख अवस्था जो बहुत सारा देखे हम कि वैश्य युग पतन होता है, तो बहुत सारे चीज होते हैं जो कि अपराध घटनाओं में भीषण होता है, कुटुंब के कोमल करियों का टूटना होता है, परिवार में वृद्धजन का दुर्दशा होता है, विवाह विच्छेद होता है, जौन वासना होता है, नग्न चित्रण होता है, विवाह व्यविचार पवाचार प्रोत्साहन कर लेना होता है, नस्ली दवाएं मद्यपान की लहर होती है, किराए का व्यापीकरण होता है, नियोक्ता की रोजगार प्रति उदासीनता होता है, नौकरशाही दानव संवेदनशीलता होता है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अव्यवस्था अस्थिरता दंगा लूटमार भुखमरी प्रदर्शन विरोध अपराध में वृद्धि बलात्कार में वृद्धि पर्यावरण की समस्याएं ये सब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यह शूद्र युग में जो होता है श्रमजीवी होते हैं, और उसका क्या करता है कि उसको इस्तेमाल करके क्षत्रिय क्या करता है कि वह उसका शोषण करता है, और फिर क्षत्रिय का जो संग्रामजीवी होता है फिर क्षत्रियो क्या करता है विप्र अपने बुद्धि से कंट्रोल करके उसका शोषण करते हैं, और फिर विप्र क्या करते हैं कि काहिल होने कारण शारीरिक परिश्रम न करने के कारण क्या होता है बैठे बैठे चाहते हैं सुख भोग मिले, यह क्या करता है वैश्य के चरण के पास गिर जाता है, और फिर वैश्य क्या करता है दोनों हाथ से इसको लूटता है पूरे समाज व्यवस्था को, जिसमें क्या होता है शूद्र विप्र और क्षत्रिय सब क्या होता है उसके नतमस्तक हो जाते हैं, वैश्य के नतमस्तक हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि नतमस्तक होने के बाद उसको फिर उस सब
उसी को धन लूटने में सहयोग करते हैं, और जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से हो जाता है कि सब फिर मानसिकता ऐसा क्षत्रोचित मानसिकता वाले लोग, विपरीत मानसिकता वाले लोग क्या करते हैं कि उसका फिर विप्लव लाते हैं, विप्लव और विप्लव लाकर फिर क्या करते हैं समाज में अलग अलग हम समझे कि क्षत्रिय शूद्र होगा तो शूद्र युग का कैसा व्यवस्था होगा, उसका कैसा सोच होगा, विप्लव युग का कैसा सोच वाले लोग होंगे, वैश्य युग हुआ तो कैसा सोच वाले लोग होंगे, और विप्र युग हुआ तो कैसा सोच वाले लोग होंगे, और सभी में अगर ऐसा ऐसा सोच वाले लोग होंगे तो कैसा कैसा विशेषता होगी, और उस विशेषता के बाद हम लोग सब देखे तो सिर्फ विप्लव हो गया, फिर जाके नष्ट नाबूद होता है व्यवस्था, और नई व्यवस्था का आता है प्रारपण होता है, और फिर दूसरी बार यह व्यवस्था वर्ण युग का जो है समाज चक्र का व्यवस्था चालू हो जाता है और चलता रहता है। प्रकृति का नियम है, किसी को यह कोई सोच नहीं सकता है, विप्र भी जानता है, शरीर भी जानता है, दुनिया परिवर्तनशील है, सब दिन एक समान क्या करता है समाज में रंग बिरंग का हथकंडा अपना के अपने व्यवस्था को कायम वह क्या करता है अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को जो कि मान लिया जाए क्षत्रिय है विप्र है, क्या करता है अयोग्य व्यक्ति को बैठाता, क्षत्रिय बैठाता है अपने अयोग्य व्यक्ति को, या क्या करता है जो कि विप्र क्षत्रिय का बेटा राजा बनेगा क्षत्रिय ही बनेगा, विप्र का जो विप्र होगा उसका बेटा विप्र ही होगा, ऐसा अपने समाज में बनाए रखने के लिए बैठाता है, बाद में शोषित शोषक बन जाता है, आज आगे बढ़ता है। इस प्रकार से समाज चक्र या अपने जाति में यह कन्वर्ट हो गया। तो यह हम लोग का था आज का सोशल साइकिल, समाज चक्र व्यवस्था था यह। तो धन्यवाद दादाजी, थैंक यू सो मच।